मैंने अपने 20 साल के करियर में जो हालात आज हैं उससे मिलती हुई हालात कभी नहीं देखी हैं। जो प्रेशर्स हमारे ऊपर बिल्डअप हो रहे हैं वो हर तरह से हैं, पॉलिटिकल प्रेशर है, कॉर्पोरेट प्रेशर है, और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल इसलिए हैं क्योंकि हमने जो मीडिया का स्ट्रक्चर, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अपॉइंट किया हुआ है, वो पॉलिटिकल प्रेशर और कॉर्पोरेट प्रेशर पे के लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। आजकल मीडिया ओनरशिप पे कोई रोक नहीं है, बिग मीडिया का जो स्केल है, ओनरशिप के जो पैटर्न्स हैं, इसके कारण बड़े बड़े मालिक, इनके बड़े बड़े अलग बिजनेसेस हैं, उनको इन बिजनेसेस या मीडिया एज अ बिजनेस में ज़्यादा दिलचस्पी है। और क्योंकि इस देश में सरकार के बिना बड़ा बिजनेस चल नहीं सकता है, तो सरकार की ये जो इनडायरेक्ट पावर है ये सबसे खतरनाक है। डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर का उतना प्रॉब्लम नहीं है जितनी ये कॉरपोरेट पावर की प्रॉब्लम है। इसके चलते हुए हालत ये हो गई है कि हर बड़े मीडिया संस्थान में जो एडिटर्स हैं, टॉप लेवल न्यूज़ रूम को जो कंट्रोल करते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो कॉरपोरेट अपॉइंटीज़ हैं आज। इसके कारण ये इंस्टीट्यूशंस को मीडिया सोचना ही गलत है, ये कॉर्पोरेट माउथपीसेस हो गए हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को मीडिया के नाम पे आगे बढ़ाते हैं। तभी आप देखिए कि हाल के पिछले 8, 10 या 12 वर्ष में जितनी भी बड़ी जर्नलिस्टिक स्टोरीज़ हैं वो छोटे मीडिया से हुई हैं। लिटरली ये हमारा पैराडॉक्स है कि बड़ी मीडिया छोटी स्टोरीज़ करता है, छोटी मीडिया बड़ी स्टोरीज़ करता है, और इसका कारण यही है कि कॉर्पोरेट प्रेशर से इम्यून है छोटी मीडिया। इस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए हमें छोटी मीडिया को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मीडिया ओनरशिप्स पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट के जो बाकी प्रहार हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो या लीगल लॉ सूट्स के थ्रू हो, इनको अपोज करने की ज़रूरत है। इसके बिना हमें मीडिया फ्रीडम नहीं मिल सकती है।